राजधानी पटना से इस वक्त खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की रैली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके मद्देनजर महागठबंधन में शामिल हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इस रैली में बीजेपी नीतीश कुमार का डीएनए स्पष्ट करेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर इसलिए आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का डीएनए के बारे में स्पष्ट रूप से खुलासा करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखें सीधा लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि जो उन्होंने घोषणा किया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को लगता है और हमें भी लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए का रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे कि उनके चरित्र में पलटू वाला लक्षण है या फिर बिहार के विकास वाला लक्षण है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर बिहार आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डीएनए रिपोर्ट जरूर लाएंगे और तब जाकर वो बिहार की जनता से कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में वोट करें। उसके पहले उनको वोट मांगने का या जनता को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं। बहरहाल बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूं ही राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच बीजेपी की रैली से पहले तथा बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही विपक्षी पार्टियों में राजनीतिक टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और बयानों का दौर जारी हो चुका है। दीपक कुमार तिवारी, ए टू जेड न्यूज लाइव, पटना बिहार।